2020-21 के किसान आंदोलन में शामिल प्रमुख नेताओं में से एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ हार हुई बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। उन्होंने कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और केवल 1170 वोट प्राप्त करने में सफल रहे। चुनाव में चढ़ूनी की हार किसानों के मुद्दों और विरोधों और कृषि प्रधान राज्य में उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता की धारणा को भी दर्शाती है। पिहोवा में चढ़ूनी की जमानत जब्त हो गई, जबकि विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप चड्ढा ने जीत दर्ज की, जिन्हें 64,548 वोट मिले। भाजपा के जय भगवान शर्मा 57,995 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस ने कृषि मुद्दे पर हरियाणवी लोगों के व्याप्त गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश की और हरियाणा के प्रमुख भूस्वामी और कृषि समुदाय जाटों के वादों पर भरोसा जताया। जाटों के एकजुट होने से भाजपा के पक्ष में जवाबी एकजुटता देखने को मिली। भाजपा गैर जाट मतदाताओं और यहां तक कि जाट वोटों का एक अच्छा हिस्सा जुटाने में भी सफल रही, जिससे हरियाणा विधानसभा चुनावों में वह विजयी हुए, जिससे पता चलता है कि किसानों के बीच की आग अब शांत हो गई है। 2021 से किसान विरोध के प्रमुख चेहरों में से एक चढ़ूनी की अपमानजनक हार से यह भी पता चलता है कि किसानों के विरोध को भाजपा के लिए एक झटका मानने को ज्यादा आंका गया था। काबिले गौर है कि हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख चढ़ूनी 2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में बनकर उभरे। इस विरोध प्रदर्शन में किसान महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे और मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मजबूर किया। चढ़ूनी ने 2021 में संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई, लेकिन किसान नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता वोटों में नहीं बदली। किसान नेता ने किसानों के लिए एक दशक से चली आ रही लड़ाई और किसान नेताओं के राजनीति में आने की जरूरत के आधार पर वोट मांगे, लेकिन यह सब बेकार गया। चढ़ूनी की कहानी यह भी बताती है कि हरियाणा में इन मुद्दों का कितना असर हो सकता है। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में चढ़ूनी ने सरकार द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ पहले बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें 10,000 किसान शामिल हुए, जिसके बाद किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थकों को संगठित भी किया। आपको बता दें, चढ़ूनी की हार का यह किस्सा कुछ नया नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू की। उनकी पार्टी ने 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीती। इस पर भाजपा ने उन पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के जरिए एक और अरविंद केजरीवाल बनने की चाहत का आरोप जड़ दिया। चढ़ूनी और किसानों ने घर घर जाकर प्रचार किया, वे बाजारों और घरों में लोगों से मिले। यहां तक कि चढ़ूनी की पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी उसके लिए प्रचार किया, लेकिन किसान नेता के लिए इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब इससे तो लगता है कि किसान नेताओं के लिए अपनी लोकप्रियता को चुनावी लाभ में बदलना कितना कठिन है।